हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पजल्स। तो आप जानते हैं, जैसे कि हमारा बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें हमारी पजल्स मिलती मिलती हैं, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं पजल से। तो SBI में ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस पजल, प्री में अगर हम प्री में देखें तो हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी पजल्स मिल जाती है। जैसे मंथ की पजल मिली, बॉक्स की पजल है, तो बॉक्स की आपकी एक लेटेस्ट टाइप की पजल्स है, जैसे कि आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, RRB में, SBI में, क्लर्क में, है ना। तो कहीं ना कहीं बॉक्स से रिलेटेड पजल होती है, जहाँ बॉक्सेस को अरेंज करना होता है टॉप टू बॉटम, राइट। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे अगर हम प्री लेवल पे क्लर्क की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस के नाम होंगे, जैसे PQRS या ABCD, तो उन बॉक्सेस को टॉप टू बॉटम अरेंज करना होगा। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा वेरिएबल बढ़ा दें तो थोड़ी सी वो एक थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है या अप हो जाता है। तो बॉक्सेस को कैसे अरेंज करना है, अब बॉक्सेस में भी क्या है, बॉक्सेस में भी दो तरह की बातें हो सकती हैं। जैसे एक क्या है कि बॉक्सेस का ऑलरेडी नंबर्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुका है, ठीक है, सीधा सीधा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। समय को थोड़ा सा लेकर हमेशा हम चिंतित रहते हैं कि समय कम रहता है। तो क्या है, जैसे कि बॉक्सेस हैं, तो बॉक्सेस में एक इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखते हो, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, एक तो होता है कि आपका ऑलरेडी नंबर्स गिवन है, कहा गया है कि 1 to 7 बॉक्स हैं, 1 to 8 बॉक्स हैं, तो 1 to 8 बॉक्स हैं, और ये बोला जाएगा कि जैसे आपका जो ग्राउंड पे है या बॉटम पे है वो फर्स्ट है, टॉप वाला 8 है, 1 to 8 है या 1 to 7 है। तो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है तो हम बेस बना लेते हैं कि भाई नंबर्स को बेस बना लिया। लेकिन ऐसी भी पजल आती है जहाँ पे नंबर्स गिवन नहीं है, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें, टेबल बनाएं, कैसे करें। तो ऐसी हमें 2-3 पजल करनी है जहाँ नंबर्स गिवन नहीं होंगे, जहाँ हमें बेस का नहीं पता होगा, हमें बॉक्सेस को अरेंज करना है टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि हम किस तरह से उन बॉक्सेस को अरेंज करेंगे, चाहे वो क्लर्क प्री में आए या फिर वो PO प्री में आए, राइट। तो सीधा सीधा हम सवाल की ओर चल रहे हैं गाइस, पहले आप भी ट्राई मारेंगे और फिर उसमें डिस्कस करेंगे कि हाँ, ठीक है, चलो। तो सीधा सीधा हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 बॉक्सेस PQR DEF G and H आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी लिखा होता है कि भाई वो सेम ऑर्डर में नहीं, अगर सेम ऑर्डर में होंगे तो आपको करना क्या होगा, है ना। यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने पढ़ा तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स गिवन नहीं है, राइट। आपको नंबर्स गिवन नहीं है, सिर्फ बॉक्सेज हैं, बॉक्सेज का नाम है PQR DEF G and H, इनको आपको अरेंज करना है टॉप टू बॉटम, समझ में आ रही बात। हाँ, तो टॉप टू बॉटम इनको अरेंज करना है, कंडीशंस आपकी गिवन है, जैसे 2 बॉक्सेज बिटवीन एफ एंड ई, इज प्लेस बिलो एफ, 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड जी, 3 बॉक्स इज बिटवीन पी एंड एच, पी इज प्लेस इमीडिएटली बिलो एफ, 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन आर एंड एच, एंड डी इज प्लेस समवेयर बिलो क्यू। तो एक बार आप ट्राई करो और बताओ कि आपका हुआ या नहीं हुआ, आपने डन किया। छोटी सी पजल है, लेकिन हाँ, क्लर्क में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, हमारी क्लर्क में ऐसी पजल्स हमारी एक्सपेक्टेड हैं जहाँ बॉक्सेज को इस तरह से अरेंज करा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये 5 मार्क्स में ही आए, आपकी 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आ सकती है, समझ रहे बात। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू लिंक द इंफॉर्मेशन। पजल में बहुत जरूरी है ये समझना कि हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें कि पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाए। तो अप्रोच का मतलब क्या होता है गाइज, अप्रोच का मतलब होता है कि आप जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको क्या कर दें, कम कर दें। तो पॉसिबिलिटीज़ कैसे कम होंगी, उसके लिए आपको समझना होगा कि हम स्टार्ट कैसे करें और किस तरह से इंफॉर्मेशन को लिंक करें, राइट। तो अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और किसी का डन भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ओके, मंजीत जी ने डन कर दिया, ग्रेट। निम्बास ने, भास्कर परिहार जी ने भी डन कर दिया, ओके ग्रेट है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जिन्होंने ऐसी पजल को नहीं किया है वो ध्यान देना, और जिसका हो गया वो भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है, कोई भी पजल है आप उसे कर तो लेते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि पजल में थोड़ा सा ट्रिकी आपका कंडीशंस आ गई, या समटाइम क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो जितनी बार हम पजल्स को पढ़ते हैं उतनी बार ही हमारी अप्रोच क्लियर होती है, इसलिए जिसका हो गया है वो भी ध्यान देंगे और जिसका नहीं हुआ है वो तो ध्यान देंगे, राइट। जैसे सपोज करो, अब यहाँ पे हमें कोई बेस नहीं बनाना है, बिकॉज यहाँ पे कोई हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में बेस के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ई इज प्लेस्ड बिलो एफ, एफ और ई में 2 बॉक्सेस हैं, एफ और ई में 2 बॉक्सेस हैं, और एफ से नीचे क्या भाई ई है, ठीक है, ये वन ऑफ द डेफिनेट केस हो गया। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ये ना बोलूँ कि एफ से नीचे ई है, तो ये पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल कंडीशन एंड डेफिनेट केस. यहां एफ और ई में दो बॉक्सेस हैं लेकिन ई क्या है, एफ से नीचे है, तो यहां पे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डेफिनेट केस. तो उस बात को थोड़ा समझिएगा. फिर आगे कहता है वन बॉक्स बिटवीन एफ एंड जी. एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स है भाई, एक बॉक्स है, तो अबव भी हो सकता है बिलो भी हो सकता है. तो हमने इस तरह से सर्कल कर दिया. बहुत से लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ और जी में एक बॉक्स हो सकता है तो ऊपर या नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया. तो एक ही बात है, जैसे आपको लिखना चाहे, जैसे आप समझना चाहें. फिर आपसे कहता है थ्री बॉक्सेस बिटवीन पी एंड एच. पी और एच में कितने बॉक्सेस हैं भाई, थ्री बॉक्सेस हैं, ठीक है. एंड आपसे कहता है पी इज इमीडिएटली बिलो एफ, एफ से जस्ट नीचे क्या है, पी है, एफ से जस्ट नीचे पी है. और कंडीशन में क्या है, टू बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एच. आर और एच के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, अब भी हो सकता है बिलो भी हो सकता है. और डिस प्लेस समवेयर बिलो क्यू. अब यहाँ सिर्फ बिलो बिलो गया है तो बिलो का मतलब क्या है, नीचे कहीं भी हो सकता है. जस्ट बिलो बोलेंगे तो जस्ट नीचे रखना पड़ेगा, बिलो है तो जस्ट नीचे हो भी सकता है या कहीं भी हो सकता है, राइट. तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. देखो हाँ, मोदी जी, मोदी राजपूत जी, आपके बिल्कुल, आपको लगा कि बिल्कुल हलवा था, लेकिन SBI क्लर्क में आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी भी करने होंगे, ठीक है ना. तो पहले हम बेसिक सवाल देख रहे हैं और आगे भी सवाल देखेंगे. और जिनका हो चुका है अच्छी बात है, जिनको लगता है कि बहुत आसान है वो भी अच्छी बात है, जिनको लगता है टिपिकल है वो समझें, राइट. अब जैसे ये पजल है, अब इसमें हमें अरेंज करना है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ना अप्रोच को समझना चाह रहे हैं, तो अप्रोच जितनी हमारी समझ में आती जाएगी उतना ही आपके लिए अच्छा होता है एग्जाम में पजल्स करने के लिए. हम स्टार्ट करेंगे एफ और ई से, क्योंकि डेफिनेट केस है. जैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया भाई, देखो एफ है, कहीं पर हमने एफ को लिया, ठीक, एफ हमारा कहीं पे है, एफ से नीचे दो छोड़कर, एक दो छोड़कर हमारा क्या भी ई है. ये प्लेसेस आपके कंफर्म है, एक दो तीन चार, बाकी का हमें पता नहीं, टोटल एट बॉक्सेस हैं. अब हम लिंक करेंगे तो क्या हो रहा है, एफ और जी में एक है तो जी ऊपर भी आ सकता है, जी नीचे भी आ सकता है. तो हमें देखना भाई किस कंडीशन को लिंक करें, कैसे लिंक करें. अब जैसे क्या, एफ और जी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, आप देखेंगे पी और एच में, तब देखो यहाँ एफ से नीचे जस्ट नीचे पी है, तो ये क्या है, एक डेफिनेट शो को, डेफिनेट केस को शो कर रहा है. एफ से जस्ट नीचे पी है, तो एफ से जस्ट नीचे पी है, तो एफ से जस्ट नीचे आप यहाँ पे क्या रख देंगे, पी. मैंने जी को लिंक नहीं किया पहले, किसको लिंक किया, पी को लिंक किया, क्योंकि पी क्या था, डेफिनेट था. अब देखो क्या कहता है, पी और एच में तीन है और एच और आर में दो है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. अगर हम एफ से जी को लिंक करते हैं ना तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे फर्दर नहीं है. क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, वी आर फोकसिंग ऑन कि हाउ टू रिलेट द कंडीशंस, क्लियर. तो यहां पे हम देखो क्या है, मैं एफ के साथ जी को रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि फर्दर को रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हाउ टू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक कैसे करेंगे. तो यहां पर मैं किसको रिलेट कर रहा हूं, पी और एच. अब देखो एच नीचे भी हो सकता है और एच ऊपर भी हो सकता है, दो बातें आपको डिसीजन लेना होगा. इसे कहते हैं हम संभावना. रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, क्रॉस चेक होगा. तो जैसे पी है, अब अगर मैं ऊपर लेता हूं, सपोज करो भाई कैसे हमने पॉसिबिलिटी चेक की, ऊपर लेता हूं एक दो तीन छोड़कर, अगर मैं यहां पे एच को लेता हूं, साइड में लिया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, हमने क्या किया है, पॉसिबिलिटी ली है, वी आर नॉट कंफर्म. अब क्या होगा, एच और आर में भाई दो होने चाहिए. अब ये अगर हम एच को ऊपर लेते हैं कितने बॉक्स हो जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल कितना है भाई, आठ है. एच और आर में दो है, अब तो आर आ नहीं सकता, ज़्यादा हो जाएंगे. बिलो में हम देखें तो दो छोड़कर भी आर नहीं आ सकता. तो हमारा क्या हुआ, जो पॉसिबल केस है पी और एच का, कि एच ऊपर हो सकता था या नीचे, तो हमें कन्फर्म हो गया कि एच ऊपर नहीं हो सकता है क्योंकि फर्दर हम इंफॉर्मेशन को रिलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने एच का डिसीजन लिया था. समझ में आ रही बात. तो यहाँ पर क्या होगा, अब एच हमारा नीचे आना चाहिए, तो P यहाँ पे है, तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे हमारा क्या आ गया भाई, H आ गया. P और H के बीच में कितने हो गए, तीन. और ये प्लेसेस कितनी कंफर्म होगी हमारे पास, सिक्स प्लेसेस कंफर्म हो गई. टोटल कितना है, आठ है. अब H और R के बीच में दो हैं, अगर दो नीचे छोड़कर हम R को लिंक करेंगे ना तो कितने हो जाएंगे, नाइन बॉक्स हो जाएंगे. बॉक्स कितने हैं भाई, आठ हैं. इसका मतलब एच से नीचे बिलो साइड आर नहीं आ सकता, तो आर को हम अबव लिंक करेंगे. एक दो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आर. समझ में आ गई बात, कितने बॉक्सेस हो गए, एक दो तीन चार पाँच. अब हम लिंक करेंगे एफ और जी को. तो हमने क्या किया, वेट किया था, हमने क्या किया था, वेट किया था. तो कहीं पे देखो, हाँ बच्चों क्या हुआ, अच्छा ठीक है, हो गया ठीक है.
देखिए मिस्टर अश्विन जी, यहाँ पे आप समझिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से लिंक करना होता है। आप पजल कितनी भी लगाते चले, सपोज़ करो भाई आपने 100 पजल लगा दी, 100 पजल लगा दी, फिर भी आप क्वेश्चन में एग्जाम में पजल को छोड़ के आ गए। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पजल आपकी वही आएगी जो आपने लगाई है ना। पजल आपकी नहीं भी आएगी तो आपका क्या होगा, वहाँ पर अप्रोच ही काम करेगी ना। तो आप हर पजल में सीखो, समझो कि भाई अच्छा ऐसे लिंक कर सकते थे, यहाँ से ऐसे करने पे पॉसिबिलिटी कम होती। मैंने क्या किया यहाँ पे, समझने वाली बात क्या थी, माना कि छोटी पजल है लेकिन समझने वाली बात क्या थी, एफ और जी का रिलेशन को मैंने वेट किया। क्यों वेट किया, क्योंकि फर्दर रिलेशन नहीं था तो पॉसिबिलिटी बनी हुई थी। मैंने एच को लिंक किया, एच को मैंने चेक किया था, क्यों, क्योंकि फर्दर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे पता था कि इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। और जब तक आप क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे पजल कैसे डन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एच के क्रॉस चेक कर लिया था। अब मैं एफ और जी को रिलेट करूंगा तो एफ से नीचे एक छोड़कर जी नहीं आ सकता, अब बात कंफर्म हो गई। तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जी कंफर्म हो गया, तो कितने प्लेसेस हो गए, 8 हो गए, तो ऊपर वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपसे कहीं एक लास्ट में कंडीशन कही गई है, डी इज प्लेस्ड समवेयर बिलो क्यू, डी जो है कहीं क्यू से नीचे है, तो यहाँ क्यू रखेंगे तो डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से हमने बॉक्सेस को अरेंज किया। देखो आप यहाँ पे टेबल बना सकते थे, कुछ अलग तरह से कर सकते थे, लेकिन अपना अपना तरीका है, जो आपको अच्छा लगे। मेरे को ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, सो मैं वही बताऊँगा जो मुझे सही लग रहा है, जो जिससे मेरे को लग रहा है कि हाँ बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो नई पजल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप किसी भी पजल को इस तरह से लगाओ जिससे कि अगर एग्जाम में नई पजल आए तो वहाँ भी आप चीज़ों को कर पाएँ, उनको करने में आप सक्षम हों, समझ गए। तो अगली पजल भी हम चलेंगे, ठीक है, चलो भाई अगली पजल पे चलते हैं, कोशिश करिएगा। ओके राइट, नेक्स्ट पजल है आपके सामने, और पूरा पजल दिखाइए स्क्रीन पर और आराम से इसको देखिए और फिर इसको सॉल्व करिएगा। यस गाइस, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यस प्लीज। ऋतु जी कह रही हैं दो पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चला जा सकता है, बिल्कुल आप लेके चल सकती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो वहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। वो भी एक अप्रोच है, अलग अलग अप्रोचेज हैं पजल्स को करने की, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी को फॉलो करना चाहिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। यस प्लीज, तो इसमें देखिए जरा, बिल्कुल प्री लेवल की पजल है, राइट ना, ऐसे पजल के लिए अपने आपको तैयार करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और फिर देखना होगा। चलिए भी करिए इसको, क्या होगा। ओके वैष्णवी जी, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। यस जल्दी बताइए भाई किस किस का हो गया, ट्राई करिए, पूरा ट्राई करना है, राइट ना। हाँ देखना है कि भाई हाँ कैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग मैटर कर रही है, और आप कैसे फिर चेक कर रहे हैं, क्या आप डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन बहुत मैटर करते हैं पजल्स में, डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, और डिसीजन किसी एक पजल के आधार पर आपके सारे डिसीजन अच्छे नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना होता है, इसलिए ही नंबर ऑफ पजल्स लगानी होती हैं, बार बार चीज़ों को समझना पड़ता है, जिससे कि हम अच्छे डिसीजन लेना सीख जाएं और एग्जाम में हमारी पॉसिबिलिटी बन जाए कि पजल हमारी हो जाए। हाँ जी सुनील जी, ओके दीक्षा जी का डन हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ओके हाँ विनीत जी का भी हो गया, विनीत जी बहुत बढ़िया, विनीत जी ग्रेट, आपका भी हो गया, नेहा सिंह जी का भी हो गया, भास्कर जी का भी हो गया। चलो चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसके बाद हम और भी पजल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 8 बॉक्सेज हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू प्लेस्ड वन अबव द अनदर बट नॉट नेस्टल इन द सेम ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके 8 बॉक्सेज हैं, यहाँ पे भी नंबर्स हमें गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी बॉक्सेज को अरेंज करना है टॉप टू बॉटम। जैसे कि कंडीशंस में अगर आप देख रहे हैं तो कंडीशन में क्या लिखा है कि एस और वी के बीच में भाई कितने बॉक्सेज हैं, 4 बॉक्सेज हैं, एस ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। फिर आपसे क्या कह रहा है, टी जस्ट बिलो डब्ल्यू, जो टी है वो डब्ल्यू से जस्ट नीचे है, ठीक है, ये डेफिनेट एक केस है।
टू बॉक्सेज बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी में कितने बॉक्सेज हैं भाई, दो बॉक्सेज हैं, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम और देखें तो कहता है पी और बी में जितने बॉक्सेज हैं ना उतने ही डब्ल्यू और क्यू में है, जितने भी आपके पी और बी में बॉक्सेज आएंगे, जितने भी पी और बी में बॉक्सेज आएंगे उतने ही डब्ल्यू और क्यू में आएंगे, क्या आना चाहिए उनमें, सेम आना चाहिए। तो हम इसके रूप में देख रहे हैं कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप देखो पी इज प्लेस्ड अबव वी, तो यहाँ पे अबव बोला है तो मीन्स कहीं भी ऊपर हो सकता है, नॉट श्योर। और बोला है टू बॉक्सेज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू में कितने बॉक्सेज हैं भाई, दो बॉक्सेज हैं, तो पी और डब्ल्यू में दो बॉक्सेज हैं, ठीक है। हमसे कहता है वी जस्ट बिलो आर, वी क्या है, आर के जस्ट बिलो है। अब आप देखोगे वी से रिलेटेड क्यू है, वी से रिलेटेड एस है, और वी क्या है, वी जस्ट बिलो आर। तो हमने स्टार्टिंग जो डिसीजन लिया वो यही लिया कि यहाँ से हम स्टार्ट करें कि डेफिनेट केस है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम इजिली चीज़ों को क्रॉस चेक शायद कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ से डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि आर, आर यहाँ पे बोला गया वी जस्ट बिलो आर, तो आर जहाँ भी होगा, जहाँ पे भी आर है उससे जस्ट नीचे क्या है भाई, वी है, ये आपने डिसीजन लिया, ठीक। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डिसीजन आपने ले लिया। अब देखो क्या कह रहा है, एस और बी में चार है, वी और क्यू में दो हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर चीज़ों को फर्दर हम लिंक करेंगे, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, अच्छा टी और क्यू में भी दो थे, टी और क्यू में भी कितने थे, दो हैं, लास्ट वाली जो कंडीशन है। अब देखो एस नीचे भी हो सकता है और एस ऊपर भी हो सकता है। जैसे सपोज करो अगर मैं एस को नीचे डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे को फास्टली डिसीजन लेना पड़ेगा आफ्टर डिसीजंस, आफ्टर कंडीशंस, तो एक दो तीन चार छोड़कर अगर मैं यहाँ पे एस लेता हूँ तो कितने हो जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आपके बॉक्सेज हो जाते हैं, टोटल कितने भाई, आठ हैं। आपसे आगे कहता है एस वी और क्यू में कितना भाई, तीन है, दो है, वी और क्यू में दो है, तो दो ऊपर छोड़कर फिर क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज सेवन प्लेसेस हमारे पास हो चुके हैं, टोटल आठ है। अगर एस को यहाँ लेते हैं तो क्यू ऊपर नहीं आ सकता, तो क्यू आप नीचे करोगे, एक दो छोड़कर आप यहाँ पे क्यू करोगे, फिर आप क्या करोगे, क्यू और टी में भाई दो है, क्यू टी में दो है, तो देखिए ऊपर तो टी आ नहीं सकता, ठीक है ना। अब नीचे दो छोड़कर अगर आप यहाँ पे टी लेते हैं तो आठ बॉक्सेस हो जाएंगे, एंड टी क्या है, डब्ल्यू से जस्ट नीचे था, और टी डब्ल्यू से जस्ट नीचे था तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कंडीशन क्या हो रही है, क्रॉस चेक। तो किसके रेस्पेक्ट में क्रॉस चेक हो रही है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो यहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसको, किस पॉसिबिलिटी को मैं लेके चला था। अब बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, यही भूल जाते हैं कि पॉसिबिलिटी कौन सी थी, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पॉसिबिलिटी कौन सी ली थी मैंने। इसलिए आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से देखते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको थोड़ा सा याद रहे कि यहाँ पॉसिबिलिटी कहाँ थी, राइट। तो मैंने क्या किया था, एस की पॉसिबिलिटी थी, एस के रेस्पेक्ट में क्यू आया था, क्यू के रेस्पेक्ट में टी आया था, और टी डब्ल्यू से जस्ट नीचे नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी कौन सी कैंसिल हो गई हमारी, एस की कैंसिल हो गई। इसलिए क्या होगा, वी यहाँ पे है, तो एक दो तीन चार छोड़कर हमारा क्या आ गया भाई, यहाँ पे एस कन्फर्म कर दिया। तो जैसे अपना रिप्रेजेंटेशन है, मेरा अपना रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है कि जो कन्फर्म हो जाता है उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से समझ सकते हैं कि जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको उचित लगता है। यहाँ पे आप देखो कितने प्लेसेस कन्फर्म हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः प्लेसेस कन्फर्म है, टोटल आठ हैं। अब आपसे क्या कहता, आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपने एस और बी में चार लिंक कर दिया, फिर आपसे कह रहा था कि क्यू ओ टी में कितना भाई, दो है, और यहाँ पे आप लिंक करोगे क्यू ओ टी में, तो क्यू ओ टी में लिंक करोगे तो कैसे लिंक करोगे यहाँ पे, अब इतना आपने लिंक किया तो Q आपका कहाँ पे आएगा, अब Q को आपको देखना है, V और Q भी देखना है आपको, V और Q में दो हैं, तो यहाँ दो नीचे छोड़कर Q आ नहीं सकता क्योंकि नौ हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, दो ऊपर छोड़कर यहाँ पे क्या आ गया भाई, Q आ गया, दो छोड़ दिया आपने, नीचे पॉसिबल नहीं था, ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपका कह रहा था क्यू ओ टी में दो हैं, तो नीचे क्यू ओ टी में दो आ नहीं सकते, तो ऊपर दो छोड़कर यहाँ पे क्या हो गया भाई, टी हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, ये कितने हो, सात हो गए, टी किससे नीचे था, डब्ल्यू से नीचे था, तो यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू, टोटल कितने हो गए, आठ हो गए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ स्पेस हो गए हमारे पास। अब हमारे पास जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो बची हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप लिंक करोगे, तो यहाँ पे आप लिंक करोगे तो ये हमारा इंफॉर्मेशन डन हो चुका है, आपका P और W में दो है, यहाँ W है तो यहाँ पे P हो गया, और यहाँ बचा हुआ आपका जैसे आपका लिखा हुआ है U, तो यहाँ पे U हो गया। तो इस तरह से हमने इस पजल को किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, हाँ ये हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे, बिल्कुल जो लोग सबका जवाब है पजल का। अगर आप बिल्कुल ऐसे चाहते हैं कि भाई दो मिनट में पजल हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि वो पजल आपको पहले से ही पता है जो एग्जाम में आने वाली है।
क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पजल पजल पे डिपेंड करता है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हम ना इतना स्पीडली करने के चक्कर में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम 5 या 10 मिनट देने के बाद भी हमारी पजल नहीं हो पाती है और फिर क्वेश्चन पेपर हमारा बिगड़ने लगता है। तो क्या करना है? अप्रोच मस्ट बी सिस्टमैटिक, अप्रोच मस्ट बी सिस्टमैटिक। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को लिंक करेंगे तो हो सकता है 2 मिनट की जगह 3 मिनट में पजल सॉल्व हो, लेकिन पजल सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है, मस्ट है। देर इज नो शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर पजल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू लिंक द इंफॉर्मेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड द अप्रोच। ओके, सो आगे हम सवाल पे चल रहे हैं और आगे सवाल को आपको करना है राइट। उसमें क्या होगा? कलर्स होगा। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, बॉक्सेस को अरेंज किया है। एंड एक यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इतनी आसान पजल एसबीआई क्लर्क प्री में नहीं आती। तो क्या मेरा सवाल ये बनता है, क्या आपने एसबीआई क्लर्क प्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है? इससे आसान होता है। यहाँ तो थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया है, तो आपको पहले ये भी समझना होगा कि किस एग्जाम के लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपने बड़ी बहुत बड़ी बड़ी पजल लगाई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बट आप प्री को क्लियर नहीं कर पा रहे राइट। तो आपको 20 मिनट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तो लेवल उस तरह से रहेगा। तो एक्सपेक्टेड जो लेवल है उसी के आधार पे आपको चीज़ों को समझना है। और अप्रोच अच्छी समझने के लिए पजल का एवरेज या थोड़ा सा इजी होना पहले बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अप्रोच हमारी बहुत अच्छी हो जाए। सो वी आर हेयर टू डिस्कस अप्रोच, क्लियर? तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल दिखाइए प्लीज़। तो ये आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर है और यहाँ पे बॉक्सेस के साथ साथ कलर्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये एसबीआई क्लर्क प्री से ऊपर उठकर है एसबीआई पीओ प्री वैकेंसी, आईबीएस पीओ प्री वैकेंसी, पीओ लेवल का ये सवाल हम बिल्कुल कह सकते हैं राइट। तो यहाँ आप इसको पढ़िए, देखिए और फिर बताइएगा कि क्या आपका हुआ या नहीं हुआ। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड हम सवाल कर रहे हैं। ऐसे सवाल बिल्कुल हमें मिलेंगे, मिले हैं। अब बिल्कुल वो सवाल तो नहीं कराया मैंने जो सेम आया है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट किया है, थोड़ा सा नया सवाल बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी चीज़ें और अच्छी हो सकें। हाँ जी जयश्री जी, कलर दे दिया है बॉक्सेस का, ये सवाल है इसको करिए, यहाँ पे कलर्स गिवन है। यस, अभी हमने दो एक बेसिक सवाल लिए थे और यहाँ पे कलर्स गिवन है, तो आपको कलर्स को भी रिलेट करना है। करिए करिए प्लीज़ करिए। हाँ उर्वशी जी सही पर जलाए, ओके चलो ठीक है, आपको आपको अच्छा लगना चाहिए है ना, आपके अच्छे लगने से। लेकिन बच्चों क्या है कि अच्छे लगने के साथ साथ हमें सीखना, हमें जहाँ भी हम लग कर रहे, देखो अगर हम ऑलरेडी सीख चुके होते या ऑलरेडी हमारी अप्रोच बहुत अच्छी होती तो शायद कहीं ना कहीं हमें सलेक्शन हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि शायद क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। सो क्लासेस की ज़रूरत है अगर हमारा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और अगर हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। और जितनी भी अप्रोच अच्छी हो सकती है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यस गाइज, यहाँ देखो नेहा जी पूछ रही हैं टाइम लिमिट, देखो डिपेंड करता है पजल टू पजल। अब जैसे हमने दो स्टार्टिंग की दो पजल की थी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ आपका 2 से 4 मिनट। देखो समटाइम क्या होता है, पॉसिबिलिटी आप चेक करते हैं तो कभी कभी बाय लक आप उस पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं जो अपने आप में सारा कंफर्म कर देती है। तो प्री लेवल में आप क्रॉस चेक नहीं करते, मेंस में हाँ मेंस में थोड़ा सा हमें क्रॉस चेक करना पड़ जाता है, बिकॉज हो सकता है कि कहीं ना कहीं आइदर केसेस बन रहे हों। सो जो हमने दो पजल की थी, 2 से 4 मिनट तक आपकी पजल सॉल्व हो जानी चाहिए थी, तो हम परफेक्शन कहते हैं। और जो हम इस पजल की बात कर रहे हैं, इस पजल में कहीं ना कहीं आपका 5 से 6 मिनट में आई थिंक ये पजल हो जानी चाहिए। और आप देखिए जरा, कोशिश करिए। यस, प्रतिका जी का भी, प्रतिका जी का डन हो गया, भास्कर जी का भी डन हो गया, ग्रेट, बहुत अच्छा, अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं आपने, अच्छा प्रयास है। जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल वो समझिए, देखिए और जब हम बताएंगे तो आप देखिएगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, और जहाँ लैग कर रहे हैं वहाँ आपको खुद से ही करेक्ट करना है। राज मल्होत्रा जी, हम एसबीआई
कि क्लास ले रहे हैं आज, और यहाँ पे हम आपको हिंदी में बदल नहीं दिया हमने, बैंकिंग क्लास में जनरली हम इंग्लिश में लेके चलते हैं, तो आप यहीं पे इंग्लिश में अंग्रेजी में ही ट्राई करें। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डन हुआ है। चलो भाई, चला सवाल पे चला जाए, हाफ सेलेक्ट करिए प्लीज़। तो देखिए, ये एक सवाल था और जहाँ पे आपके बॉक्सेस हैं उनके साथ साथ कलर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, आप कोई टेबल बना के करें, कुछ बना के करें, अलग अलग मन हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा फॉलो वही करना होता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहे, और सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एक्यूरेसी एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज़ कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए, राइट। हाँ, तो चलो भाई ध्यान देते हैं। विनीत जी, ओके, बहुत बढ़िया आपका हो गया। यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमारे 7 बॉक्सेस हैं, अब यहाँ स्टार्टिंग मैटर करेगी, थोड़ा सा हम अप्रोच को डिस्कस करना चाहेंगे, और अगर किसी की अप्रोच ऑलरेडी अच्छी है तो आई थिंक नहीं लगता कि उसे क्लास की ज़रूरत है। तो हाँ, अप्रोच बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट लाइक सॉल्यूशन फोकस्ड, हम अप्रोच फोकस्ड हैं। तो यहाँ पे कहता है, एस इज इमीडिएटली अबव येलो कलर बॉक्स, एस जो है येलो कलर बॉक्स से अबव है, तो कंडीशन यहाँ पे जैसे दी गई, तो मैं इसलिए हिंट्स लिख रहा हूँ जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि यहाँ हम स्टार्टिंग कैसे करें, थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए था। यस तो यहाँ कहता है कि आपका जो एस है वो येलो से जस्ट अबव है, येलो से अबव आपका क्या है भाई, एस है। ओके, कहता है मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन पिंक एंड सिल्वर, पिंक और सिल्वर, अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, यहां पे कहता है पिंक और सिल्वर के बीच में क्या है, मोर देन 3 बॉक्सेस, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 4, इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 4, तो पिंक और सिल्वर के बीच में मोर देन 3, तो ऐसी कंडीशन जनरली आपको मिलती है, फ्लोर्स में मिलती है, मोर देन 3, तो एटलीस्ट 4, तो यहां पे पिंक और सिल्वर के बीच में क्या है, कंडीशन का मतलब भी आपको समझना है, मोर देन 3 है तो इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 4, कम से कम 4 तो होने चाहिए, 4 से ज्यादा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर आपसे कहता है यहाँ पे, देर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी में 2 बॉक्सेज हैं, और देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो, हमें कंफर्म नहीं है टी और क्यू में कितने बॉक्सेज हैं, 2 बॉक्सेज, टी और क्यू में 2 बॉक्सेज हैं, और यहाँ पे ये भी कहता है टी और डब्ल्यू में कितने बॉक्सेज हैं भाई, 1 बॉक्स है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। आपसे कहता है 2 बॉक्सेज बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू एंड पी में कितने बॉक्सेज हैं भाई, 2 बॉक्सेज हैं, अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, अच्छा सॉरी डब्ल्यू और पी में 3 बॉक्सेज हैं, 3 बॉक्सेज बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, तो डब्ल्यू और पी में भाई 3 बॉक्सेज हैं, ठीक है। फिर हम आगे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पी का कलर है ना, पी का कलर ब्लैक है, आपको दिया गया पी का कलर क्या है भाई, ब्लैक है। देन देयर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन पी एंड आर, पी और आर में 2 बॉक्सेज हैं, ये कंडीशन है, और यहाँ पे कह रहा है कि आर का कलर क्या है भाई, वाइट है, ये आपकी कंडीशन है। फिर कहता है सिल्वर कलर बॉक्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर क्या है, सिल्वर कलर है, डब्ल्यू से जस्ट अबव सिल्वर है, और यहां पे ये भी कहता है मोर देन 3 बॉक्स बिटवीन येलो एंड पिंक, येलो और पिंक में क्या है, मोर देन 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 4, और लास्ट में कहता है टी का जो कलर है वो रेड है, टी का कलर क्या है, रेड है। देखो मैंने कंडीशन को इसलिए लिखा है, जैसे अब इस तरह की पजल में क्या है, इस तरह की पजल में ऐसा नहीं है कि आप सारी कंडीशन लिखते चले जाएं, नो नो नो, आप कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पार्ट और थोड़ा सा कंडीशन हिंट बनाने के बाद ये समझ लेते हैं कि कहीं पे डेफिनेट केस आया तो वहाँ से आप स्टार्ट कर देते हैं। ऑलवेज सारी पजल्स में हिंट्स बनाना ये भी जरूरी नहीं है, और ऑलवेज आप क्या करें शुरुआत में स्टार्ट करते हैं ये भी नहीं हो सकता, डिपेंड करता है पजल के टाइप पर। इस तरह की जब बॉक्सेस की पजल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए जहाँ डेफिनेट चीज़ें आएँ जिसके रेस्पेक्ट में फर्दर रिलेशन हो। जैसे यहाँ पे देखो, येलो से जस्ट ऊपर क्या एस है, ये वन ऑफ द डेफिनेट केस है, लेकिन फर्दर एस से इंफॉर्मेशन रिलेट नहीं कर रही है, बट डब्ल्यू से जस्ट ऊपर क्या है, सिल्वर है, डेफिनेट केस है वन ऑफ द, एंड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लिंक कर रही है किसके, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मैटर करेगा स्टार्टिंग में, तो डिसीजन क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हम डब्ल्यू से स्टार्ट करें, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर सिल्वर रखें, और फिर पॉसिबल केसेस को एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, क्रॉस चेक करें। अब जैसे मैंने डिसीजन लिया W, कहीं पे हमने सपोज करो भाई W लिया,
डब्ल्यू के साथ कोई कलर होगा, डब्ल्यू से जस्ट अबव, डब्ल्यू से जस्ट अबव क्या है, सिल्वर कलर है। ये चीजें कंफर्म यहां से स्टार्ट हो, आराम से समझना। देखो मेरे को समझाने में, अगर मैं इसको खुद इंडिपेंडेंट कर रहा होता, अगर समझाने की बात नहीं होती तो मैं इसको 3 से 4 मिनट में खत्म कर देता, वो बात एक अलग है। बट यहां मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि आपकी समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है। धीरे धीरे हम समझाएंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ओके, कुछ आपके अप्रोच हाथ लगे कि हाँ भाई स्टार्टिंग लिंक क्या मैटर कर रहा है। तो डब्ल्यू से जस्ट ऊपर क्या है, सिल्वर है। अब आप देखो चीजों को लिंक करेंगे तो डब्ल्यू और पी में कितना है, 3 है। डब्ल्यू टी में क्या है, 1 है। तो यहां पॉसिबिलिटीज बन रही है कि डब्ल्यू पी में 3 है, डब्ल्यू टी में 1 है, टी और क्यू में 2 है, और यहां पी और आर में 2 है। अब यहां पर आप डिसीजन लोगे, क्या लोगे, डिसीजन लोगे, क्योंकि इसके बाद कोई डेफिनेट केस नहीं आ रहा है। तो डिसीजन लिया, अब आप कोई भी डिसीजन, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, कुछ टी का डिसीजन लेंगे, कुछ पी का डिसीजन लेंगे, वो आपकी चॉइस है। डिसीजन तो आपको लेना होगा कि जैसे सपोज करो भाई मैंने पी का डिसीजन लिया, पी ऊपर होगा या नीचे होगा, तो मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं ऊपर पी लेता हूं, 1, 1, 2, 3 छोड़कर, अगर मैं यहां पे पी रखता हूं ये साइड में, पॉसिबिलिटी है ना, अगर मैं यहां पे पी रखता हूं तो पी और आर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। टोटल बॉक्सेस कितने यहां पे, 7 है, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो ऊपर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी और आर में 2 है, तो 2 ऊपर छोड़कर आर नहीं आ सकता, बिकॉज पॉसिबल नहीं होगा, टोटल 7 बॉक्सेस हैं, इसीलिए नीचे हमें लिंक करना पड़ेगा। तो पी और आर में यहां पे 2 बॉक्सेस आ सकते हैं, लेकिन आर का जो कलर था वो क्या दिया था, वाइट। तो मैंने डिसीजन, देखो मैंने डब्ल्यू के साथ में टी का डिसीजन ले सकता था, लेकिन टी के साथ क्यू का डिसीजन लेने पे क्यू के साथ वेरिएबल नहीं था। मैंने डब्ल्यू के साथ पी का डिसीजन लिया, क्यों लिया, अब बता रहे हैं आपको क्यों लिया हमने, हाँ तो क्यों लिया, हाँ भाई क्यों लिया, देखो सुन रहे हो ना, या हाँ सुनते रहे ना, मैंने डब्ल्यू के साथ पी का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल था, फिर आगे भी एक वेरिएबल था, तो हो सकता है उनके आधार पे हम जल्दी से क्रॉस चेक कर पाएँ, एक 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 संभावना लेके चलते थे, हो सकता है कि हम क्रॉस चेक कर पाएँ, डिसीजन लेके चले थे। तो यहाँ पे पी के 2 छोड़कर अगर मैं आर को लिंक करता हूँ तो आर का कलर वाइट है, वो लिंक नहीं हो सकता, इसीलिए पी को अबव करने पर हम फर्दर चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, कैंसिल होगी, अबव की पॉसिबिलिटी कैंसिल है। नाउ वी आर कन्फर्म, वी आर कन्फर्म कि पी का आएगा, नीचे आएगा। अब पी नीचे आएगा तो देखो, 1, 2, 3 तीन बॉक्सेस छोड़कर, पी और डब्ल्यू में 3 था ना, 3 बॉक्सेस छोड़कर यहां पे क्या आ गया भाई, पी आ गया, और पी का कलर क्या हो गया, ब्लैक। ये हमारा कंफर्म हो गया। और प्लेसेस कितने कंफर्म हो गए, यस रिमेंबर, प्लेसेस कितने कंफर्म है, जो कंफर्म है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस कंफर्म है। टोटल कितना भाई, 7 है। अब एक जो है सिल्वर से ऊपर आ सकता है या पी से नीचे आ सकता है, ठीक। अब देखो पी और आर में कितना भाई, 2 है। अगर मैं 2 नीचे बिलो साइड पॉसिबल, अगर मैं देखूं 2 नीचे छोड़कर आर को ले आता हूं तो 7 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, और 7 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे तो इसीलिए आर नीचे नहीं हो सकता, बात 2 ही हो सकती है। तो लेफ्ट राइट तो करेंगे नहीं, यहाँ पे टॉप टू बॉटम करेंगे, राइट। अब बहुत से लेफ्ट राइट भी चेक करने लगेंगे तो फिर तो बिल्कुल हदी हो गई ना, हदी हो जाएगी। तो क्या है, आप आर नीचे नहीं है तो आर का होगा, ऊपर होगा, 1, 2 छोड़कर यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। आर का कलर क्या है भाई, वाइट, ऐसे आपने किया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा एक कंफर्म है, फिर हम अब चीज़ें लिंक करेंगे। डब्ल्यू टी में क्या भाई, 1 है। अब डब्ल्यू टी में 1 है तो टी जो है ऊपर भी हो सकता है, 7 तो पॉसिबल है ना, और टी जो है नीचे भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। अब मेरे को क्या देखना चाहिए, अब मेरे को देखना चाहिए कि अगर या तो ऐसा तो मैं जबरदस्ती कर दूँ इसके साथ, तो जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती वाला कोई केस नहीं है, हाँ समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, जबरदस्ती वाला कोई केस नहीं है। अरे गीता जी डन को गोली मारिए, डन हो गया अच्छी बात है, अब तो आप समझिए, डन हो गया अच्छी बात है। हमने पहले ही कहा है कि हम सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे, सॉल्यूशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए था ना, वीडियो थोड़ी देखना चाहिए था, सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे। वीडियो का मतलब क्या हो गया, आप अप्रोच समझ रहे हैं, जहां भी आप लैक कर रहे हो, अगर आप लैक नहीं कर रहे हैं तो ग्रेट, लेकिन आप लैग कर रहे हैं तो वीडियो का मतलब क्या है, वीडियो का मतलब यह है कि आप जहां लैग कर रहे हैं वहां चीजों को समझें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मत बनिए, ठीक है। हाँ तो अब देखिए यहां पे ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट क्या है, यहां पे W है, W से 1 छोड़कर T होना चाहिए, राइट ना। अब T जो है ऊपर भी हो सकता है, T जो है नीचे भी हो सकता है, तो अब T का कलर क्या है भाई, रेड है। तो हमने इसको लिंक नहीं किया,
अब मैं देख रहा हूँ और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम देख सकते हैं येलो से ऊपर एस है, अब येलो से ऊपर एस है तो हम क्या करेंगे, अब येलो से ऊपर एस है तो येलो हमारे यहाँ, येलो यहाँ आएगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, येलो यहाँ आएगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, अब यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, अब हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है येलो से ऊपर एस, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मैंने चलो डिसीजन लिया डब्ल्यू टी में एक है, अब सपोज करो डब्ल्यू के ऊपर में टी को, अब डिसीजन ले रहे हैं हम, टी को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो टी और क्यू में दो आने चाहिए, अगर मैंने टी को ऊपर लिया ना डब्ल्यू और टी में एक ऊपर लिया तो टी और क्यू में दो आने चाहिए, और दो ऊपर छोड़ के तो आ ही नहीं सकता और नीचे भी दो छोड़कर नहीं आ सकता। नाउ वी आर कन्फर्म, तो हमें क्या किया, जब आपकी पॉसिबिलिटी बने फिर आप रुको, क्रॉस चेक करो, अदर कंडीशन को देखो क्या कोई कन्फर्म हो रही है, अगर कोई कन्फर्म नहीं है देन डिसीजन, डिसीजन क्या जब श्योरिटी ना हो आगे लिंक करने की। फिर टी क्या हो गया, डब्ल्यू टी में एक है तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, टी कन्फर्म हो गया, ठीक है, टी का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, हमारे अभी भी एक दो तीन चार पाँच छः प्लेसेस कन्फर्म है, बाकी का नहीं पता हमें। अब देखो, अब मैं लिंक करूँगा टी और क्यू में दो हैं, अगेन टी और क्यू में दो हैं, दो नीचे छोड़कर क्यू आ सकता है, दो ऊपर छोड़कर क्यू आ सकता है, क्योंकि साथ में कोई कलर नहीं है, पॉसिबिलिटी बन रही है ना, जबरदस्ती अगेन नहीं करेंगे। फिर मैं रुक के फिर चेक करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, फिर चेक करूंगा कि और किसी कंडीशन को रखा जाए नहीं रखा जाए, ऐसे क्रॉस चेक करूंगा, दिमाग चलाएंगे, दिमाग की तो कसरत होनी ही होनी है इधर, दिमाग की तो कसरत होनी ही होनी है, ये मत समझना कि बिना दिमाग लगाए पजल हो जाए, नो नो नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो येलो सुपर ऐसा आना चाहिए, अब येलो सुपर ऐसा आना चाहिए तो मैं लिंक कर रहा हूँ भाई क्यू क्यू को या तो चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हो जाए कन्फर्म हो जाए, तो येलो सुपर ऐसा आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक आ सकता है, लास्ट एक ही पॉसिबल है, छह तो हो चुके हैं ऊपर, अगर यहाँ मैं येलो लेता हूँ लास्ट वाला तो यहाँ ऐसा नहीं आ सकता, येलो यहाँ लेता हूँ तो ऐसा नहीं आ सकता, येलो यहाँ लेता हूँ तो ऐसा आ जाएगा और बाकी ऊपर तो आ ही नहीं सकता। यस इट्स हैप्पी मोमेंट, कौन सा मोमेंट, इट्स हैप्पी मोमेंट कि अब आपको पता लग गया कि हाँ पजल नाउ होपफुली डन। हैप्पी मोमेंट का मतलब है, हैप्पी मोमेंट का मतलब है बच्चों कि जब आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है और आप पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दें, पॉसिबिलिटी आप कैंसिल कर दें, मतलब क्रॉस चेक कर दें, तो वो हैप्पी मोमेंट है कि जब आपको कंफर्मेशन में आता है। सो यहां येलो मैंने लिया और येलो से ऊपर मैंने क्या किया, एस किया, ठीक है। अब देखो ये मैंने कर दिया, अब मेरे को क्यू को चेक करने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यू तो डन हो गया बिकॉज ऑफ एस। अब मैं क्यू को देखूंगा, टी ऊपर दो छोड़कर तो क्यू आ ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिलो करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे दो छोड़कर यहां पे क्या कर दिया भाई, क्यू कर दिया, अब हो गए सेवन। नाउ अब बात है कलर्स की, अब कलर्स की बात है तो देखो उसने क्या कहा, पिंक और सिल्वर में क्या है, एटलीस्ट चार है, येलो पिंक में क्या, एटलीस्ट चार है। अब ये मत समझना कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ तो आपको इतना टाइम लगेगा, नो, मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ जो हमारे बेचारे बिगनर्स हैं ना, जो बिगनर्स हैं या जो एक्सपर्ट भी हैं जिनका नहीं हो पाया सिलेक्शन या जिनको पजल में दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात तो आपको समझ में आए। अगर आप समय दे रहे हैं, वीडियो में समय दे रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, तो आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आए। अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पर डाल के चला जाऊँगा तो फिर आप समझे क्या उसमें, सॉल्यूशन तो हर जगह है ना बुक्स में, तो टीचर का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कैसे आया, कैसे सॉल्यूशन आया, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। माय पॉइंट इज सॉल्यूशन कैसे आया, समझे बात। तो यहां देखो अब ये है, अब पिंक और सिल्वर में चार होने चाहिए, पिंक और सिल्वर में चार होने, एटलीस्ट चार होने चाहिए, मोर देन थ्री था ना, तो मोर देन थ्री का मतलब जैसे मैंने बोला किसी के बीच में ए और बी के बीच में मोर देन टू होना चाहिए, मोर देन टू का मतलब क्या है भाई, दो से तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो एटलीस्ट थ्री हो गया, मोर देन थ्री का मतलब एटलीस्ट फोर हो गया, तो यहां पे एटलीस्ट फोर हो गया। तो जैसे सिल्वर है, अगर मैं यहां पे सेवन तो इस पे से है ना, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, अब सपोज करो सिल्वर यहां पे है, तो यहां पे अगर मैं पिंक रख देता हूं तो कितना, तीन रहता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसीलिए अब मेरे समझ में आ गया द लास्ट स्पेस किसका होना चाहिए भाई, पिंक का होना चाहिए, तो लास्ट स्पेस किसका हो गया, पिंक का हो गया, ये मेरी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ अब देखो बस क्या, आपका एक पर्सन बचा है और एक कलर बचा है, और पर्सन जैसे आपका बचा है, हमने कौन सा पर्सन लिया था, पी क्यू आर एस टी, आपका बचा है यहाँ पे डब्ल्यू बी हो गया वी, तो पर्सन बचा भाई वी, वी को रख दिया आपने, और फिर आपके कलर की हम बात करेंगे, तो कलर आपका बचा है आई होप ग्रीन, है ना, सो ग्रीन आपका कलर बचा है कि आपने ग्रीन कर दिया। तो सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए, यस ध्यान से सुनिए, क्या सुनना है ध्यान से, जो भी पजल लगाओ
ऐसा नहीं जैसे आपने पांच पजल लगाई आपने यस 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 सॉल्यूशन आ गया बहुत है, नहीं नहीं पजल लगाओ उसमें समझो। जब आप घर पे पजल लगा रहे हैं, क्लास में लगा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्लास में आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं यू नो कभी कभी जैसे क्लासेस चलती हैं तो क्लास में एक घंटे में कभी कभी हम एक पजल को इस तरह से एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है कि वहाँ चीज़ें समझ में आए, कंडीशन कैसे गई, कंडीशन कैसे क्रॉस चेक हुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबल प्लेसेस, हाउ टू कनेक्ट द डेफिनेट केसेस, हाउ टू स्टार्ट विद द डेफिनेट केसेस, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अप्रोच। इफ यू नो द अप्रोच तो उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको एक दो पजल ऐसी मिलती है जो बिल्कुल नई होती है, आपको प्रीवियस एग्जाम में नहीं मिली। तो हमारा पैटर्न आजकल ये है, तो जब नई पजल होगी तो अब उसमें दो संभावना है, या तो पजल छोड़ ही दो। अब क्या कहोगे भाई मैंने तो 1000 पजल की है, मेरे को तो ये तो चीटिंग होगी, मेरे साथ चीटिंग हो गई कि ऐसी पजल आ गई जो मैंने करी नहीं है, तो गलत बात है। किससे कहोगे, कौन सुनेगा, ना सुनने वाली बात है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई ही समझा है कि पजल में कैसे कैसे चीज़ें की जाती हैं, तो वो उस पजल को करेंगे और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आज मेरा यही प्रयास था यहाँ पे कि बॉक्स लेवल की अगर ऐसी पजल आती हैं तो आप उनको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक प्रयास था, छोटे से एफर्ट से, आई होप आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे भी हम SBI के सेशन में बिल्कुल मिलेंगे और आगे भी पजल्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच।